बॉलीवुड की रंगीन दुनिया में प्यार, इश्क और धोखे के कई किस्से हैं। अब जानते हैं सलमान खान ने अपनी दो गर्लफ्रेंड्स को चीट किया। रणबीर कपूर ने कैटरीना के लिए दीपिका के साथ बेवफाई की, तो वहीं अक्षय कुमार ने ट्विंकल की खातिर शिल्पा और रेखा की खातिर रवीना को धोखा दे दिया। इस मामले में सिंघम अजय देवगन तो दो कदम आगे निकले, उन्होंने रवीना और करिश्मा को दोनों को धोखा दे दिया। तो चलिए बॉलीवुड स्टार्स की बेवफाई के पूरे किस्से जानते हैं। सलमान खान, सबसे पहले बात करते हैं सलमान खान की, जो कि 66 साल की उम्र में भी कुंवारे हैं। उनके कुंवारे होने की वजह भी खुद वही है। सलमान ने अपनी दो गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी और सोमी अली को धोखा दिया था। संगीता बिजलानी के साथ तो उनकी शादी के कार्ड तक छप गए थे, लेकिन सोमी अली के प्यार में पड़कर सलमान ने शादी तोड़ दी थी। इसके बाद 8 साल तक वो सोमी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में रहे, लेकिन साल 1999 में उन्होंने सोमी को भी ऐश्वर्या राय के कारण चीट किया और उनसे ब्रेकअप कर लिया। रणबीर कपूर, रणबीर कपूर को यूं ही कैसनोवा नहीं कहा जाता, कई हसीनाओं का दिल उन्होंने तोड़ा है। रणबीर ने साल 2009 में कैटरीना के खातिर दीपिका को चीट किया था। दीपिका ने उन्हें रंगे हाथों कैटरीना के साथ पकड़ा था और फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया था। रणबीर दीपिका के ब्रेकअप की बहुत चर्चा हुई थी। वहीं दीपिका को रणबीर की बेवफाई से ऐसा सदमा लगा था कि वो डिप्रेशन में चली गई थी। हालांकि बाद के दिनों में रणबीर और कैटरीना का भी ब्रेकअप हो गया था। अजय देवगन, यूं तो अजय देवगन काजोल के साथ हैप्पीली मैरिड है, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड की दो बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ दगाबाजी की है। सबसे पहले उन पर आरोप रवीना टंडन ने लगाया था। रवीना ने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा था कि अजय ने करिश्मा की खातिर उन्हें धोखा दिया। तब इस पूरे मामले पर खूब हंगामा भी मचा था और रवीना ने सुसाइड करने तक की कोशिश की थी। अजय और करिश्मा का रिश्ता 2 सालों तक तो ठीक चला था, लेकिन फिल्म हलचल की शूटिंग के दौरान अजय देवगन को काजोल से प्यार हुआ और उन्होंने करिश्मा से ब्रेकअप कर लिया। अक्षय कुमार, बॉक्स ऑफिस के खिलाड़ी अक्षय दिल तोड़ने के मामले में भी खिलाड़ी रहे। अक्षय ने अपनी 6 से 7 गर्लफ्रेंड को धोखा दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रवीना और शिल्पा के साथ उनकी बेवफाई का किस्सा मशहूर है। रवीना टंडन ने उन पर आरोप लगाया था कि उनसे सगाई के बाद भी अक्षय रेखा के प्यार में पड़ गए थे, तो वहीं शिल्पा शेट्टी को अक्षय ने ट्विंकल के लिए चीट किया था। संजय कपूर की वाइफ महीप कपूर ने हाल ही में एक ओटीटी सीरीज फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइव्स में इस बात का खुलासा किया था कि उनके पति ने उन्हें धोखा दिया था और अपनी न्यूबॉर्न बेटी के साथ वो घर छोड़कर चली गई थी। 1999 में संजय कपूर ने सुष्मिता सेन के साथ फिल्म सिर्फ तुम में काम किया और उन्होंने सुष्मिता के कारण बीवी को धोखा दिया था। आदित्य पंचोली की गिनती बॉलीवुड के धोखेबाज पतियों में होती है। लंबे समय तक कंगना रनौत के प्यार में रहे, वो भी बीवी जरीना बहाव को धोखा देकर। कंगना से पहले आदित्य पंचोली पूजा बेदी के भी प्यार में रह चुके हैं। पुलकित शर्मा और यामी गौतम के अफेयर ने एक शादी तोड़ दी। पुलकित शर्मा श्वेता रोहिरा के साथ मैरिड थे, लेकिन फिल्म सनमरे की शूटिंग के दौरान वो यामी के प्यार में पड़ गए। इसके बाद उन्होंने बीवी को तलाक दे दिया। हालांकि बाद में उनका और यामी का भी ब्रेकअप हो गया। रिपोर्ट 24।